ये डॉक्यूमेंटेशन, और इसके लिए पैसा भी लगता है परमिशन के लिए, जुलूक जाने के लिए, और परमिशन लगता है 500 रुपये, राइट, फॉर द रिस्पेक्ट के लिए। ये लोग हैं, मुझको देखो क्या पहन रहा है। थैंक यू, थैंक यू। इसका मीनिंग क्या है? थैंक यू। अच्छा, लकी 8 बोलते हैं, लकी 8 ये जो साइन है ना इधर। अच्छा, ये लकी है। हां, ये लकी 8 साइन। और वहां से ही ये देखो, नीचे खाद देखो, माय गुडनेस, बाप रे बाप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर व्लॉग में। ये है सिक्किम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव, जिस गांव का नाम है अरिटा। तो अरिटा में, इस गांव में आया था कल, इस होम स्टे में मैं रहा था, और पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद सुबह के अभी 9 बजे है, अभी मैं जा रहा हूँ रंगली बाज़ार। ये रंगली बाज़ार एक बहुत ही फेमस मार्केट प्लेस है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके कुछ शॉपिंग टॉपिंग खरीदारी करेंगे, क्या क्या वहाँ पर मिलता है पहाड़ पे मार्केट में वो भी देखेंगे। और जो सबसे बढ़िया चीज़ करेंगे, हम लोग कल जा रहे हैं जुलूक। जुलूक जाने के लिए लगता है परमिशन, परमिशन के लिए लगता है लीगल डॉक्यूमेंट्स, मीन आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज वगैरह वगैरह लगता है। तो उसके लिए परमिशन लेने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो परमिशन थोड़ा सा टाइम पीरियड 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो गाइस, सुबह के अभी 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग का जो ड्राइवर आ चुका है, ये ऊपर देखो, ऊपर प्रभास भाई सब कुछ पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं ऊपर में। तो सब कुछ हो जाने के बाद रंगली बाज़ार, रंगली बाज़ार से परमिट लेना है, उसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर स्टे करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज के ट्रिप का कितना खर्चा हो रहा है, कैसे हम लोग कार को बुक किया है, क्या क्या देखने का चीज़ है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ठूस ठूस के मैं देने जा रहा हूँ। सो गाइस, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं रंगली बाज़ार, पहले परमिट बनाने और थोड़ा सा घूमने के लिए। सो फॉर द सुविनर, फॉर द रिस्पेक्ट के लिए ये लोग हैं, मुझको देखो क्या पहन रहा है। थैंक यू, थैंक यू। इसका मीनिंग क्या है? थैंक। अच्छा, लकी 8 बोलता है, लकी 8 ये जो साइन है ना इधर। अच्छा, ये लकी है। हाँ, ये लकी 8 साइन बोलता है। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम? सुनील जी। सुनील जी, आपका जस्ट पूरा इस होम स्टे का मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, ठीक है, आपका नाम नंबर भी दे दिया, ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, टेक केयर। सो गाइस, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी फॉर मी। तो जहाँ पर मैं रुका वहाँ से मुझको मिला ये सुविनियर, एंड चलिए अभी निकलते हैं। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ रंगली बाज़ार। अभी अरिटा से रंगली बाज़ार जाने का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, और आप देख सकते हो दोनों साइड में बड़े बड़े चट्टान पहाड़, और बीच में ये जंगल को चीरता हुआ ये रास्ता जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। अरिटा जहाँ पर मेरा होम स्टे था, वहाँ से रंगली बाज़ार का डिस्टेंस है टोटल 30-35 किलोमीटर, और अगर आप कैब एक रेंट में ले लोगे तो 1200 से 1500 रुपये अप्रोक्सीमेटली आपके ले लेगा। सो मान लीजिए मेरे ग्रुप में 5 जन हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो 300 रुपीज़ पर हेड पड़ रहा है। पर बीच बीच में ऐसे बुरा रास्ता भी है, मिला जुला, कहीं कहीं पर बड़ा रास्ता, कहीं पर बुरा रास्ता, पर यही तो है पहाड़ का एडवेंचर। रंगली बाज़ार एक्चुअली लोग कम ही जाते हैं, जो लोग जुलूक जाते हैं, जुलूक जाने के लिए रंगली बाज़ार का पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि जुलूक के लिए परमिट वहाँ से ही मिलता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स देकर के परमिट मिलता है, 1 दिन पहले आप कर लो। तो रंगली बाज़ार हम लोग नहीं रुकेंगे, वहाँ पर शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे डेस्टिनेशन में जहाँ पर हम लोग का होगा होम स्टे, और वहाँ से ही ये देखो नीचे खाद देखो, माय गुडनेस, बाप रे बाप, यहाँ से गिर जाओगा तो भाई आपका तो नामो निशान नहीं मिलेगा। अमेजिंग, अमेजिंग, सो मच एडवेंचरस। सो गाइज, ये थोड़ा रंगली बाज़ार जाने का थोड़ा डेयरिंग रोड है, पूरा एकदम खाद से पास ही कि हम लोग जा रहे हैं। तो जो ड्राइवर भाई साहब है उसका नंबर भी मैं पूछ के वीडियो के अंत में दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो आप गाड़ी बुक करो ग्रुप में, और इंडिविजुअल भी आप जा सकते हो रंगली बाज़ार, वहाँ से परमिट लेकर जुलूक आप पहुँच जाओ। बट एक दिन में ही परमिट बनाकर आप जुलूक नहीं पहुँच सकते हो, उसके लिए आप एक दिन वहाँ पर रंगली बाज़ार रुक सकते हो। रंगली बाज़ार की दूसरी जगह पर हम लोग, रंगली बाज़ार रुकने का इच्छा नहीं है, वहाँ पर मार्केट प्लेस है, शॉपिंग टॉपिंग करके कुछ दूसरे जगह पर जाना है इच्छा है हम लोगों का।
क्योंकि हम लोग थोड़ा सा नेचर लवर है और नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए दूसरा जगह नहीं अच्छा होगा, थोड़ा सा गांव टाइप ऑफ, विलेज टाइप ऑफ, पहाड़ों का गांव टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में हम लोग रहना चाहते हैं। सो भाई ये बहुत ही खूबसूरत एडवेंचर जर्नी हो रहा है, तो चलिए रंगली बाजार पहुँचने के बाद वहाँ का सीन कैसा होता है वो भी आपको पहुँच कर दिखाएंगे। दोस्तों रंगली बाजार ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं, ये रंगली बाजार का आसपास का सीन अभी जाकर दिखाएंगे। अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है वो आपको चलिए थोड़ा सा साइड में जाकर समझाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन लगता है हर बंदे का वोटर कार्ड, राइट, वोटर कार्ड लगता है। अगर छोटा बच्चा हुआ तो ज़रूरी है बर्थ सर्टिफिकेट और छोटे बच्चे का जो आधार हो आधार कार्ड, राइट। भाई यहाँ पर मान के चलिए आपको आधार से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका यहाँ पर आपका वोटर कार्ड, राइट, और आपका एक कलर फोटो जिस फोटो को आपको पहचाना जाए। ये टोटल रंगली बाजार का सीन एज यू कैन सी। ये डॉक्यूमेंटेशन और इसके लिए पैसा भी लगता है परमिशन के लिए, जुलूक जाने के लिए, और परमिशन लगता है 500 रुपये, राइट। 500 रुपये पर कितने नहीं, सब एक गाड़ी का, हर एक गाड़ी के लिए लगता है 500 रुपये। सपोज़ दो गाड़ी आओगे तो दोनों मिला के 500-500 हज़ार, एक गाड़ी में 6-7-8 जन भी रहेगा तभी 500, और एक जन रहेगा तब भी 500 आपको लगता है। फॉर ईच कार परमिशन 500 रुपीज़, राइट। ये रंगली बाजार का डॉक्यूमेंटेशन सीन। तभी यहाँ पर एक घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग ड्राइवर भाई साहब हो गया है रंगली बाजार के जो ऑफिस में जब परमिशन करवाने के लिए, तो मैं वहाँ पर नहीं गया, वहाँ पर जाकर, अच्छा मैं भी अगर मौका मिले जाकर आपको दिखाता हूँ परमिशन के जगह, तो वहाँ पर जाकर परमिशन कराने के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। ये सारी देखो कि जो भी गाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं ऑल दीज आर, ये सब जुलूक जाने वाले हैं, जुलूक। कुछ गाड़ी आज जाएंगे, कुछ गाड़ी कल जाएंगे, तो उसके लिए परमिशन कर लें रंगली, रंगली RONGLI रंगली बाज़ार बोला जाता है। ये शॉपिंग प्लेस भी है पहाड़ के एकदम बीचों बीच, ये मार्केट है, उधर जितने तक जाओ मार्केट, इधर जितने तक मार्केट, मार्केट का भी हम लोग विस्तार टूर करेंगे। तो ये पार्ट था डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। होप सो यू हैव गॉट टू नो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लाइए टू चाहिए टू गो जुलूक। दोस्तों हम लोग के साथ हुआ है एक मिस एडवेंचर, एक्चुअली हम लोग का टायर पंचर हो चुका है, तो टायर अभी बदला जा रहा है। तो भाई साहब एक्चुअली गया था जो परमिट के लिए, बट यहाँ पर आकर देखा पंचर हो चुका है, एक दो हवा नहीं है तो, बट हर गाड़ी में एक पीछे एक बैकअप टायर रहता है, उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है, और जो ख़राब हो चुका है जो टायर उसको भी यहाँ पर फिक्स करना है। यहाँ पर हम लोग का 20-30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, पर ठीक है, चलो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। पहाड़ों में जब आप जर्नी कर रहे हो तो यू कैंट प्रिडिक्ट एवरीथिंग टुगेदर, सो इट्स गुड। 20-30 मिनट के टाइम वेस्ट, बट आप होने को है काम, उसके बाद फिर से हम लोग का जर्नी शुरू करेंगे। तो चलिए ख़त्म होते थे काम को, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हम लोग को, वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। भाई अमेजिंग, लुक एट द ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत जगह को छोड़कर कैसे जा सकता था मैं। ड्राइवर भैया को बोला भैया थोड़ा सा रुक जाओ, ये ब्यूटीफुल खूबसूरती को थोड़ा सा कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। तो ये भाई ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये है सिल्क रूट का पार्ट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, जो सिल्क रूट से चाइनीज़ लोग, तिब्बत के लोग इंडिया आते थे सिल्क रूट से इंडिया से साथ बिजनेस ट्रेड करने के लिए। इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट ज़िगज़ैग सिल्क रूट, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ पूरा चारों तरफ पहाड़ों के बीच में एक मोड़ है, और इस पहाड़ के बीच में एक पाइप यहाँ पर लगा गया है। आपको शायद कैमरा से इतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, बट मैं खाली आँख से मैं दिख सकता हूँ। और यहाँ से पानी का पाइप पहाड़ के एक पार से दूसरे पहाड़ तक पानी को सप्लाई करने के लिए। रोड कंस्ट्रक्शन के काम भी ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर रुक कर थोड़ा सा भाई चिल कर रहा हूँ। भाई ऐसे जगह पर तो हर दिन आने का मौका नहीं मिलता है। सो भाई सिल्क रूट का पार्ट है, फीलिंग सो मच एक्साइटेड आफ्टर कमिंग ओवर हियर, एंड यहाँ पर ठहर कर, यहाँ पर रुक कर एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, मैन फीलिंग सो ग्रेट। ये रास्ते का कंडीशन देखिए, चकाचक रोड कंडीशन, पर हर जगह पर अच्छा नहीं है, कई कई जगह अच्छा है, कई कई जगह थोड़ा सा इधर उधर गड्ढे भी है। सब कुछ मिलाकर ये खूबसूरती को देखो, जस्ट फील इट, ये सिर्फ फील करने की जगह है, जस्ट अमेजिंग। इट इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट ट्रैवलिंग इन सिक्किम मेरे दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन।